हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार एसआई यानी कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जिसे कहते हैं आप, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हैं। तो ये जो हमारा सीरीज है, अभी जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, ये 2018 का है। मतलब कि 2018 जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए थे बिहार एसआई के, उसको लेकर के है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये असम की है। तो असम की नृत्य शैली है ये। भारत में मुख्य रूप से आठ नृत्य शैलियां हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं। तो भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिशी है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है। ये आपके आठ प्रकार के नृत्य शैलीज हैं। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन कहाँ के हैं और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो पहले अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की नृत्य शैली है और ये सबसे प्राचीन माना जाता है भारतनाट्यम को। और अगर हम बात करें कि और ये जो नृत्य शैली है, ये देव दासियों के द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया। और भारतनाट्यम के जो प्रमुख नृत्यांगना है, या कहें कि उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनमें नाम आता है यामिनी का, कृष्ण मूर्ति का, सोनल मानसिंह। याद रखेंगे सोनल मानसिंह भारतनाट्यम की ही थी, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। ये भी बहुत पूछा जाता है, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह, ये दोनों भारतनाट्यम की हैं। वहीं अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है और इसका आधार जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यानी कि कुचिपुड़ी का आधार क्या है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इसके प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, शास्त्री राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है। अब हम अगर ओडिशी की बात करें, तो ओडिशी एक प्रचलित नृत्य कला है, एक प्राचीन नृत्य कला है और इसके प्रमुख कलाकारों में आते हैं जो इम्पोर्टेंट नेम है, वो सोनल मानसिंह और रानी कर्ण आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कथकली की, तो ये केरल की प्रमुख नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकारों में वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, मृणालिनी साराभाई इत्यादि प्रमुख हैं। अब कथक नृत्य के बारे में जाते हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ये। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के रूप में कथन करना होता है और प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। और इसके प्रमुख कलाकारों में बिरजू महाराज, याद रखेंगे बहुत ही फेमस है कथक नृत्य के हैं ये। बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और मालविका सरकार, ये सब कथक नृत्य के जाने माने व्यक्ति हैं। मणिपुरी नृत्य, अब ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्पत्ति जो स्थल मणिपुर से है और इसीलिए इसका नाम मणिपुरी पड़ गया। यह मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से आ जाएंगे, तो अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने, गोपाल सिंह। वही अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम का, तो यह केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम शब्द जो है मोहिनी शब्द से बना है और आपको पता होगा मोहिनी जो था भगवान शिव विष्णु का अवतार था, जो राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। अब मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी मुख्य रूप से मोहिनीअट्टम के ही कलाकार हैं, आप इन सबको ये याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है, अगर हम बात करें, तो 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। और प्रथम उर्वरक संयंत्र जिसे हम सिंदरी कह रहे हैं, ये 1951 में खोला गया था। अगर प्रथम उर्वरक कारखाना की अगर बात किया जाएगा, ये तो था स्वतंत्र भारत में सिंदरी, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहला रानीपेट था 1906 ईस्वी में। याद रखेंगे रानीपेट 1906 में भारत का पहला उर्वरक कारखाना तमिलनाडु में खोला गया था। इसी तत्व के समस्थानिक के से क्या तात्पर्य है, यानी कि समस्थानिक क्या होता है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो
तो समस्थानिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। तत्व के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुरु अंगद देव ने शुरू कराया था इनको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरु नानक के द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था। तो लंगर व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ किया गया था और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। 1589 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी करता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है राष्ट्रीय दल होने के लिए। तो लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा विधानसभा चुनाव, राज्य विधान चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वोट मतों का 6% प्राप्त होना जरूरी होता है। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हुई हो, या लोकसभा में 2% सीटें हो, या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो, ठीक है। तो ये बात है। अभी कुल मिलाकर के 9 आपके राष्ट्रीय दल है। कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये कुल 9 है आपके भारतीय राष्ट्रीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कृषि ऋण। तो भारत में पहला सहकारी आंदोलन जो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था, और इसका पहला चरण जो था 1904 से लेकर 1911 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था, और दूसरा जो था ये 1912 से लेकर 1918 ईस्वी के आसपास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो निम्बू बाजगो नामक बंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। निम्बू बाजगो नामक बांध आपको बताना है कि किस नदी पर है। तो ये सिंधु नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। और वहीं अगर हम कोयना की बात करें तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। अगर हम पेरियार की बात करें तो पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध के नाम तो आपने सुना ही होगा, ये केरल में स्थित है। और कराकन, ये जो कराकन है, आप हमें कमेंट करके बताओ कि कराकन परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 से लेकर के 22 तक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है जो कि मौलिक अधिकारों के भाग का एक मेरुदंड माना जाता है, और अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, इसको हम ओजोन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा, किसने, तो फॉरमैन के द्वारा कब 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान में वृद्धि होती है। और इसके क्षरण के प्रमुख कारकों में अगर देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है, और ओजोन के बढ़ते क्षेत्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था, कब 1987 में, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को,
24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको हम मनाते हैं। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके अध्यक्ष भी कसाबा करोसी जो कि हंगरी के हैं। राइट दोस्तों, आप सबको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने की दो भाषाएं होती हैं, कौन कौन, इंग्लिश और फ्रेंच। जो वर्किंग लैंग्वेज है वो दो है, एक है आपका फ्रेंच और दूसरा है इंग्लिश। और वो भाषाएं जिनको राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है कौन कौन से हैं, तो चाइनीज है, रशियन है, अरबी है और स्पैनिश। इन भाषाओं को राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त। अब आपको सुमेलित करना है, इंद्रावती परियोजना कहाँ है आपको बताना है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, परियोजना नहीं है। तो पेरियार आपको पता होगा कि केरल के इडुक्की में है, तो पेरियार तो केरल के इडुक्की में हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में है, तो इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़। और फिर है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल सबको पता होगा कि ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। और बांदीपुर आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका बच गया कहाँ, तो कर्नाटक में है। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है एक बार फिर से। तो रेलवे उपकरण भिलाई में बनते हैं, मोटर वाहन जबलपुर में बनता है, और पोत निर्माण जो है वो कोच्चि में है, डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग, और साइकिल का कारखाना लुधियाना में है। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो किस में परिवर्तित करते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण। स्व परागण का एक प्रकार है ये। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है युवा कार्यक्रम। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो NSDL का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो इसका राइट आंसर है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो कि सिक्योरिटी मार्केट से जितने भी चीजें हैं, होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, बॉन्ड, कैश, इन सबको ऑनलाइन रखने की एक एजेंसी है, या इसको कहिए कि रेगुलेट करने की एक एजेंसी है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है खुजली। निम्न हस्तियों पर विचार करिए, आपको बताना है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मरकंद देश पांडे, तो इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि नसरुद्दीन शाह तो हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता है, इसके राइट आंसर डी हो जाएगा, तो सब के सब आपके ये थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। गिरीश कर्नाड जाने माने रंग कर्मी है और फिल्म अभिनेता भी है। मरकंद देशपांडे भी एक तरीके एक फिल्म अभिनेता ही है। इनके फिल्म है डरना जरूरी है, फिल्म रिस्क, और डॉली ठाकुर भारतीय फिल्मों की एक प्रमुख कलाकार है। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी ये तीनों देश से होकर के गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो विश्व के इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा जो हुई थी दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 6 अगस्त 1945 को हुआ था, जब जापान के हिरोशिमा पर बमबारी की गई थी 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है दोस्तों वो कर एवं लेखांकन से है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से होती है सबसे ज्यादा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, आपको बताना है गंभू, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिमम पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस जो है दोस्तों वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा, बड़ा ही चर्चित रहता है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय युवा दिवस, और वहीं 1 अप्रैल की अगर हम बात करें, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि 1 अप्रैल को कौन सा देश दिवस मनाया जाता है। 1 मई को सबको पता होगा कि विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है, रक्षा मंत्रालय के कौन कौन से विभाग है इसमें, राइट आंसर बी हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये 3 विभाग हैं, रक्षा वित्त विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा अब हमारा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। तो इसकी घोषणा जो है 7 अगस्त 2017 में ही की गई थी, क्योंकि ये हम लोग 2018 का क्वेश्चन कर रहे थे इसीलिए उस वक्त ये पूछा गया था। फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में किया गया था दोस्तों। 2022 में किनको किनको दिया गया है, तो 2022 में अश्विनी अपुंजी एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी में, और वीसी सुरेश कबड्डी में, इनको 3 लोगों को दिया गया है 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा रद्द किया गया था दोस्तों, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये कब से कब तक वायसराय रहे थे, तो 1910 से लेकर के 1916 तक रहे थे। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्राइट है ये। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो सबको पता होगा कि 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1967 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें सबसे पहली बार उन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था, और उस वक्त इन्होंने जो बताया था वो 20 रुपये हुआ था प्रति व्यक्ति आय। फ्रंटियर गांधी के नाम से सबको पता होगा कि खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है इस नाम से। निम्नलिखित में से किस कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए प्रतिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, और हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश के संविधान से लिया गया है, और संसदीय सरकार ये तो ब्रिटेन से लिया गया है सबको पता होगा, और केंद्र राज्य संबंध भी आयरिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है, क्षमा करिएगा कनाडा से लिया गया है, एक बच गया कनाडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। इसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो ये बहुत पुरानी बात है, 42 क्वेश्चन नंबर, तो जब ये सवाल पूछा गया था तो उस वक्त इसका आंसर था राजीव महर्षि, ये 2020 में 2017 से 2020 तक ये रहे थे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे कैग अध्यक्ष। चलो आप कमेंट करके बताओ कि अभी कौन है, क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ही है कि कोई चेंज हो चुके हैं, चलिए कमेंट करके बताइए सब लोग। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आरंभ, ये मोबाइल ऐप है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से पश्चिम बंगाल को जून 2017 में सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसी वक्त का ये क्वेश्चन पेपर है, तो करंट अफेयर्स में रहा होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्थान जो है वो कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन विल्ड हंटर चिल्पाई से अगस्त महीना के नाम से जाना जाता है। और भारत का स्थान 107वां है और इसमें कुल 121 देश हैं और पहला स्थान बेलारूस का है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि नांगल जो है ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दिए गए सवालों में से है ये। वैसे अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका केरल में है 1084, उसके बाद पांडिचेरी में है 1037, अगर ओवरऑल की हम बात करें तब। अगला क्वेश्चन है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में लूसी ज्वालामुखी पड़ता है और वहीं पे उस वक्त ये विस्फोट हुआ है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लड़के और लड़कियों की आयु में विवाह की आयु में वृद्धि करना, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वो पैरादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है वहां पर ये पहुंचा था तब। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ये 14वें बने थे और अब तो बन गए हैं, आप बताइए सभी लोग कमेंट करके। सबको पता होगा इसमें कमेंट करने वाली क्या बात है कि द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें और सही उत्तर चुने। तो लोथल गुजरात में पड़ता है, रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है, और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, और कालीबंगन मचिया राजस्थान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 54 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों, पेटेंट जो होता है उसको हर बार आपको रिन्यू कराना पड़ता है, पेटेंट की अवधि लगभग 20 साल के लिए होती है, तो ये सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो किन किन देशों से होकर गुजरती है आपको बताना है, राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन भारत और बांग्लादेश से। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये उस वक्त का सवाल होगा दोस्तों, तो उस वक्त थे आंद्रे ओजेवे, 2017 से थे ये, अभी तक भी हैं ये यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? आपको बताना है, तो ताइवान की सीमा भारत से नहीं लगती। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स या द कोलिशन ईयर नामक पुस्तक लिखी है? कौन से, किसने लिखी है ये पुस्तक? इसके राइट आंसर बी हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी ने लिखा है ये। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और सी तीनों सही है। सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। लिखित में से कौन से मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है उसमें कौन कौन से मुद्राओं को रखा गया है दोस्तों? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी देख रहे हैं सबको सब एसडीआर के फॉर्म में इनको स्वीकार किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो सी हो जाएगा, विटामिन के। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोयस कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक ये किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लिखने वाले हैं आपके रामचंद्र गुहा जी, जो कि एक भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। निम्नलिखित में से
यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बिहू हो जाएगा, बिहू को शामिल नहीं किया गया है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन ए। और दोस्तों 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो मोटे अनाजों का देश, याद रखेंगे। और ये भारत के द्वारा मांग की गई थी कि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया जाए, तो ये घोषित किया गया है। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 72, राइट आंसर हो जाएगा एल बेरूनी, एल बेरूनी ऑप्शन बी राइट आंसर है। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इक्विटास लघु वित्त बैंक को। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, 74, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंतर पीढ़ी साम्य से। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, आश्रम है और आयु है कि कौन सा आश्रम कितने आयु के बीच होती है, तो ब्रह्मचर्य जो होता है वो जन्म से लेकर के 25 साल तक होता है, और गृहस्थ आश्रम जो होता है वो 25 से 50 साल होता है, और वानप्रस्थ आपका 50 से 75 साल, और सन्यास 75 से 100 साल के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे वो सही है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किनको आप इस्तेमाल कर सकते हो ऊर्जा संरक्षण के लिए, तो संपीड़ित वायु, स्प्रिंग बैटरी और संधारित्र, राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी और डी। आगे बढ़ते हैं, तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, आपको बताना है कि ब्लू चिप जो कंपनी होती है वो कैसी होती है, तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है ब्लू चिप कंपनी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, 79, तो डी हो जाएगा, सेल आग्नेय चट्टान नहीं है दोस्तों। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था, तो ये उस वक्त का सवाल है, तो उस वक्त इंग्लैंड ने भारत को हरा करके जीता था। और 2022 का किसने जीता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है, और 2022 में 12वां मनाया गया है, 12वां आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कागज का जलना। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रिलायंस ने। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है वो अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद याद रखेंगे 263। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है, यानी कि आईआईटी में अब एमबीबीएस की पढ़ाई की जाएगी, ये किस संस्थान में ऐसा किया गया है, तो खड़गपुर में किया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, चलिए सब लोग बताइए, बहुत बार आपने ये सवाल किया होगा, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है ये। पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 रासायनिक सूत्र क्या है, आपको इसका नाम बताना है कि KNO2 का नाम क्या है, तो KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं और KNO2 को पोटेशियम नाइट्राइट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट। लिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा सही नहीं है, तो कवक और फंगस। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतु और उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये स्वपोषी नहीं होते हैं दोस्तों, परपोषी होते हैं ये। निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। सुनहरी यानी गोल्डन राइस ये क्या है, एक जीन संवर्धित फसल है दोस्तों ये, राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 92, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आपको बताना है, तो ये सवाल 2017 का है, तो उस वक्त कौन बने थे, तो डॉक्टर राजीव कुमार को बनाया गया था उपाध्यक्ष नीति आयोग के, राइट आंसर डी हो जाएगा। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर हम बात करें तो सुमन कुमार बेरी है, तथा सीईओ जो है वो परमेश्वरन
अय्यर हैं और अरविंद पनगढ़िया जो थे वो नीति आयोग के पहले सीईओ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला मास है। तो क्या होता है? चैत्र होता है, चैत्र से शुरू होता है, सबको पता होगा। मानव में रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो यानी कि मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 94 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर 7.4 से लेकर 8 के बीच होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? 95 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रघुराम राजन ने यह किताब लिखी है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 96 राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल ये प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तेज क्या है आपको बताना है, पार्टी तेज। तो गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन रखा गया है, तो ये डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था आपको बताना है, राइट आंसर ए हो जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों NAFTA के सदस्य हैं, NAFTA इसके कौन कौन से सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 99, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको आप नाफ्टा कहते हैं, तो नाफ्टा के कौन कौन से मेंबर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। दोस्तों ये था 2018 का फर्स्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बिहार एसआई में पूछा गया था। अब हम सेकेंड शिफ्ट को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।